दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आज हर किसी के जीवन में है, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, पढ़ाई करने वाला हो या नौकरी करने वाला, और वह है तनाव। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम बिना कुछ किए थक जाते हैं और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी ताजगी महसूस होती है? यह एक विरोधाभास है जो बताता है कि असली थकान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे मन से होती है। जब हमारा मन और हमारा शरीर एक साथ नहीं चलते तब तनाव उत्पन्न होता है। तनाव उस दूरी का नाम है जो हमारे मन और शरीर के बीच बन जाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव का शिकार है। हम एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को एक जगह एकत्रित नहीं कर पाते। हम भविष्य की चिंताओं में जीते हैं या फिर बीते हुए कल के पछतावे में खोए रहते हैं और इसी कारण हमारे भीतर थकान और असंतोष बढ़ता जाता है। बुद्ध ने भी कहा है कि अगर हम अपने मन और शरीर को एक ही काम में पूरी तरह से केंद्रित कर सकें तो हमारे जीवन से तनाव के कई कारण खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर वन में ठहरे हुए थे जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपने चिताओं और दुखों के बारे में बुद्ध से समाधान पूछने के लिए आते थे। एक दिन एक पिता अपने 20 साल के बेटे के साथ वहां पहुंचा। बुद्ध ने उन्हें देखा और उन्हें बैठने का इशारा किया। जब उपदेश समाप्त हुआ तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। फिर बुद्ध ने उस आदमी से आने का कारण पूछा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं 2 दिन की लंबी यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। ये मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण ही नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी पकने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में यह इतनी बड़ी उम्र का लगता है। हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को चिकित्सकों के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरे समस्या का समाधान कर दीजिए। यह सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। यह सब विधियां करने के बाद बुद्ध ने उस पिता से कहा, किसी को भी तनाव पसंद नहीं, पर यह अनजाने में हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति तनाव की पहचान कर सके तो उसका समाधान भी ढूंढ सकता है। लेकिन पहले यह समझना होगा कि तनाव वास्तव में होता क्या है। तनाव तब उत्पन्न होता है जब हमारा शरीर एक जगह होता है और मन कहीं और। यह मन और शरीर के बीच की दूरी ही तनाव को जन्म देती है। तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वो कितना तनाव में है, तो वो समस्या का समाधान भी खोज सकता है। मुख्य रूप से तनाव के 8 कारण होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, हम उतने ही निद्रा की अवस्था में होंगे और इसी दूरी को
इसी खिंचाव को तनाव कहा जाता है। कोई खेल खेलने के बाद कोई चुस्ती महसूस क्यों करता है, हालांकि उसने अपने शरीर को तो थकाया है, लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा उस खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वही जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वो काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसीलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपकी भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव की कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वो वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहेगा, और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो युवक पूछता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा होती है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए, उनके प्रति निरंतर मेहनत करिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। बुद्ध ने कहा कि जब आदमी ईर्ष्यापूर्ण या द्वेषपूर्ण हो जाता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। ईर्ष्या आंतरिक घाव होता है। आंतरिक मतलब मन का घाव होता है। शरीर का घाव तो भर जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वो जिस तरह मैं चाहता हूं उस तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वो अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वो नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसीलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार पनपते हैं और वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वो आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आभार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, और एक दिन मौत भी आती ही है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी में समय से पहले आती है तो इसी में बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा
क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वो उस पर बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें नाकामयाबी भी मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, और इसीलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूर्ण वक्त देना, पूरा वक्त देना, ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वो होता है ज्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और इसको दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। ये सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 20 साल का है और उसमें इतने समझ भी नहीं है कि वो इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके। कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा मंत्र बता दें जिससे आदमी उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। ये सुनने के बाद बुद्ध ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते तो तुम एक बार में एक काम को करने पर ही ध्यान लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो बस एक काम एक बार में करो और उस काम को पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए तो वापस उसे उसी काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पे ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक बार में दो दो तीन तीन चार चार काम एक साथ करते हैं, जैसे कि कोई आदमी खाना खाते वक्त टेलीविजन भी देखता रहता है, फोन पर बात भी करता रहता है और फिर बाद में कहता है कि मैं तो तनाव में रहता हूं। जब तीन तीन काम एक साथ करेगा आदमी तो तनाव पैदा होना तो लाजमी ही है, क्योंकि मन तो पूरा ध्यान लगाकर एक बार में एक ही काम कर सकता है। पूर्ण रूप से ध्यान दो चीजों पर कभी नहीं लग सकता। इसीलिए जहां तक संभव हो सके कोशिश कीजिए कि आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगा पाए। बुद्ध के इन शब्दों ने पिता और पुत्र दोनों को एक नई समझ दी और वे शांति से घर लौट गए। दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें